दोस्तों इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि आपका मोटर रनिंग कंडीशन में है और मोटर के रन करते करते यदि एक फेज का पावर सप्लाई चला जाता है तो उस कंडीशन में आपके मोटर पे क्या इफेक्ट आएगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका मोटर जो है वो अभी ऑफ कंडीशन में है और इस कंडीशन में आपका एक फेज का पावर सप्लाई चला गया है, आपके पास में केवल दो फेज का पावर सप्लाई है। अब इस कंडीशन में यदि आप मोटर को चालू करोगे तो मोटर आपका चालू होगा कि नहीं होगा, और यदि आपका मोटर चालू होता है तो उस कंडीशन में क्या इफेक्ट आएगा। तो यही सब चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से हम पूरा प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास में थ्री फेज इंडक्शन मोटर है। इस मोटर को यदि मुझे रन करवाना है तो मुझे थ्री फेज का पावर सप्लाई प्रोवाइड करना पड़ेगा। थ्री फेज का पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के बाद ही हमारा मोटर रन होता है। अब यहाँ पे मोटर में पावर सप्लाई फेल होने पे क्या इफेक्ट आएगा उसको समझने से पहले आप इस मोटर का वर्किंग को समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, जो भी हमारा थ्री फेज का मोटर होता है उस मोटर का दो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है। सबसे पहला होता है मोटर का स्टेटर और सेकेंड पार्ट होता है उसका रोटर। अब जो आपके थ्री फेज का मोटर है उस मोटर का जो स्टेटर होगा उसमें थ्री फेज का वाइंडिंग किया जाता है, और थ्री फेज का वाइंडिंग करने के बाद मोटर का जो आउटपुट टर्मिनल होगा उसमें आपको टोटल 6 बार मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, ये जो मेरा मोटर है इस मोटर के टर्मिनल पे टोटल 6 बार कनेक्ट किया गया है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 बार कनेक्ट किया गया है। और यहाँ पे जो मोटर का टर्मिनल है इसको मैंने स्टार में कनेक्ट करके रखा हूँ। स्टार कनेक्शन डेल्टा कनेक्शन क्या होती है इसका वीडियो मैंने बना दिया हूँ, आप देखना चाहो तो उसको देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको केवल ये समझना है कि मोटर के अंदर से टोटल 6 बार निकल के आते हैं। अब इन 6 वायर में से हम क्या करते हैं, 3 वायर को आपस में शॉर्ट करके स्टार कनेक्शन बना देते हैं। अब बच गया हमारा 3 पॉइंट। 3 पॉइंट पे हमें थ्री फेज का पावर सप्लाई प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब जब हम मोटर के वाइंडिंग को थ्री फेज का पावर सप्लाई देंगे तो मोटर हमारा रन होने लगेगा। मोटर के रन होने के पीछे का रीजन ये है कि जो मोटर का वाइंडिंग है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो होता है रोटेटिंग टाइप का, यानी कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के वजह से हमारा रोटर रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। मैंने आपको बेसिक चीज़ें समझाया, बाकी बहुत सारी चीज़ें होती है, केवल आपको मैंने बेसिक चीज़ें बताया, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा यदि आप मोटर को चालू कर देते हो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहूँगा। दोस्तों यदि आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं तो आपके लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी है। यदि आप सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में VLSI डिजाइन इंजीनियर के जैसे वर्क करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसी वीक सैटरडे को एक बूट कैंप कंडक्ट किया जा रहा है, जहां पर दोपहर के 12 बजे से लेके 4 बजे तक एक वर्कशॉप कंडक्ट किया जाएगा VLSI के ऊपर। वर्कशॉप को अटेंड करने के बाद आपको एक मौका दिया जाएगा टेस्ट अटेंड करने के लिए, जो कि VLSI के ऊपर ही होगा। यदि आप टेस्ट में अच्छा नंबर स्कोर करोगे, यानी कि टॉप 80 में यदि आप आते हो, तो उस कंडीशन में आपको डायरेक्टली इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा, वो भी VLSI डिजाइन इंजीनियर के लिए। तो ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है किसी जॉब को पाने के लिए। तो सिंपली आपको क्या करना है कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया गया है उस लिंक पे क्लिक करके खुद को रजिस्टर कर लीजिए वर्कशॉप के लिए। इसके अलावा जो सिविल और मैकेनिकल इंजीनियर हैं उनके लिए सर्टिफाइड वर्कशॉप भी कंडक्ट किया जा रहा है इसी वीक। वर्कशॉप का पूरा डिटेल आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा। तो वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी के टाइम पे इस मोटर को पूरा पावर सप्लाई मिल रहा है। अब मैं यहाँ पे एक MCB को ऑफ कर देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे वाइब्रेशन होने स्टार्ट हो गया है, और आप सुन सकते हो मोटर का आवाज भी डिफरेंट हो चुका है। ओके, मैं यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ। यदि मैं यहाँ पर मोटर को ऑफ नहीं करता तो मोटर मेरा बर्न हो जाता। बर्न होने का पीछे का रीजन क्या है उसको हम समझते हैं। देखिए दोस्तों, मोटर यदि आपका रनिंग कंडीशन में है, एक बार वो समझिए, मोटर यदि आपका रनिंग कंडीशन में है और उस कंडीशन में यदि आपका एक फेज का पावर सप्लाई चला जाता है तो मोटर आपका ऑफ नहीं होगा, मोटर आपका रन करते रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो आपका मोटर है उस मोटर में वाइब्रेशन का आवाज आएगा, जैसे कि आपने सुने होंगे एक वाइब्रेशन का आवाज आ रहा था। इसके अलावा जो मोटर है, मोटर का जो स्पीड होगा यानी कि जो टॉर्क होगा, टॉर्क भी कम हो जाएगा। तो यदि आपके मोटर के रनिंग कंडीशन में यदि एक फेज का पावर सप्लाई चला जाए तो मोटर हमारा हर्मिंग का साउंड करेगा, साथ ही साथ में मोटर का जो RPM है RPM कम हो जाएगा, साथ ही साथ में इसका टॉर्क भी कम हो जाएगा। इसके अलावा मोटर में ज्यादा करंट फ्लो होने लगेगा,
और मोटर के वाइंडिंग में यदि ज्यादा करंट फ्लो होगा तो मोटर का जो वाइंडिंग होता है उसमें जो इंसुलेशन होती है इंसुलेशन हीट अप होने लगेगा और हीट अप होने के वजह से इंसुलेशन उसका वीक हो जाएगा, जिस कारण से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और शॉर्ट सर्किट होने के वजह से मोटर हमारा बर्न हो जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता है कि यदि आपका मोटर रनिंग कंडीशन में है और उस कंडीशन में दो फेज का पावर सप्लाई चला जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो इसको भी हम प्रैक्टिकली ही देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे तीनों एमसीबी को ऑन कर देता हूँ, तीनों एमसीबी ऑन है। अब मैं यहाँ पे मेन एमसीबी को ऑन करता हूँ, आप देखोगे यहाँ पे मोटर मेरा नॉर्मल वर्क कर रहा है, कोई भी यहाँ पे हर्मिंग का साउंड नहीं है। अब मैं यहाँ पे दो एमसीबी को बंद कर देता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे दो एमसीबी को बंद करने के बाद मोटर मेरा ऑफ हो गया। अभी के टाइम पे भी मोटर में करंट फ्लो हो रहा है लेकिन केवल एक वायर के जरिए करंट फ्लो हो रहा है और एक वायर के जरिए यदि करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं हो पाएगी, जिस कारण से मोटर हमारा स्टॉप हो गया। मोटर को रन करवाने के लिए कम से कम दो फेज का पावर सप्लाई चाहिए होता है, अभी के टाइम पे केवल एक फेज का पावर सप्लाई जा रहा है जिस कारण से मोटर हमारा ऑफ हो गया। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे आपके माइंड में एक और क्वेश्चन बनना चाहिए, यदि आपका मोटर ऑफ कंडीशन में है और उसी कंडीशन में केवल एक फेज का पावर सप्लाई चला जाता है और उस कंडीशन में यदि आप मोटर को चालू करते हैं तो क्या आपका मोटर चालू होगा कि नहीं होगा, तो इसको भी हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। मैं यहाँ पे एमसीबी को ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हो मोटर ऑन हो गया, मोटर ऑन तो हो गया लेकिन यहाँ पे हार्मिंग का साउंड आ रहा है। यदि आप मोटर को केवल दो फेज का पावर सप्लाई दोगे तो उस कंडीशन में भी आपका मोटर हार्मिंग का साउंड करेगा, मोटर ज्यादा करंट लेगा, साथ ही साथ में इसका जो टॉर्क है टॉर्क भी कम हो जाएगा, यानी कि सभी प्रॉब्लम आएगा जो कि आपका फेस लॉस के कंडीशन में आता है। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे एक और चीज देख लीजिए, यदि आपका केवल एक एमसीबी ऑन है तो उस कंडीशन में आपका मोटर चालू होता है कि नहीं, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ और यहाँ पे एमसीबी को ऑन करता हूँ, आप देख सकते हो मोटर चालू नहीं हो रहा है। मोटर को चालू करने के लिए कम से कम दो फेज का पावर सप्लाई चाहिए, मैं इसको ऑन करता हूँ, आप देखना मोटर चालू हो जाएगा, आप देख सकते हैं मोटर चालू हो चुका है। ओके दोस्तों, अभी के टाइम पे इस मोटर के साथ में मैंने कोई भी लोड को कनेक्ट करके नहीं रखा हूँ, इस कंडीशन में क्या हो रहा है, यदि हम इसको दो फेज का पावर सप्लाई देंगे तो मोटर हमारा चालू हो जाएगा। लेकिन यदि आपके मोटर के साथ में लोड कनेक्ट है यानी कि कुछ ना कुछ इस पे कनेक्ट करके रखे हो तो उस कंडीशन में आपका मोटर ऑन नहीं होगा। एक बार ट्राई करते हैं, मैं यहाँ पे इसको पकड़ लेता हूँ और पकड़ने के बाद इसको चालू करूंगा, मैं इसको तुरंत बंद कर दूंगा क्योंकि मोटर बंद हो सकता है, मैं यहाँ पे रिस्क नहीं लेने वाला हूँ। ओके, तो इसको चालू करता हूँ, देखते हैं कि मोटर चालू होता है कि नहीं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हार्मिंग का साउंड आ रहा है। ओके, मोटर हमारा चालू नहीं हो पाया, मैंने अभी केवल हल्का सा पकड़ा था तो मोटर चालू नहीं हो पाया। मोटर जब फ्री रहेगा तो आपका ऑन हो जाएगा, लेकिन जब इसके साथ में कोई लोड कनेक्ट रहता है, मैं इसको बंद करता हूँ, यहाँ पे हल्का सा मैंने इसको पकड़ लिया उसके बाद ऑन किया तो मोटर हमारा ऑन नहीं हो पा रहा है। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे वाइब्रेशन भी हो रहा था, साथ ही साथ में हल्का सा हार्मिंग का साउंड आ रहा था। यदि आपके मोटर के साथ में लोड कनेक्ट है और आपने यहाँ पे टू फेज का पावर सप्लाई कनेक्ट करके रखे हो तो उस कंडीशन में मोटर में बहुत ही ज्यादा करंट फ्लो होगा और मोटर आपका थोड़ी देर के बाद में बर्न आउट हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप चाहते हो कि आपका मोटर रनिंग कंडीशन में बर्न ना हो जाए यानी कि फेस लॉस होने पर मोटर आपका जल ना जाए, इससे प्रोटेक्ट करने के लिए आपको इस प्रकार का एक वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस रिले के द्वारा कैसे मोटर को प्रोटेक्ट किया जाता है यदि आप पूरा डिटेल में समझना चाहते हो तो इस राइट वाले वीडियो पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।